नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंदेशक न्यूज़ में। अंदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। साथियों, यहां पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन है, मानदेय 9,000-6,000 दे रहे हैं किराया। साथियों, इस समय एक न्यूज़ वायरल हो रही है लगातार सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में, ट्विटर हैंडल पर अंदेशकों से संबंधित, जिसमें हेडलाइन है मानदेय 9,000-6,000 दे रहे हैं किराया। इसका मतलब ये है कि अनुदेशक साथी अपने घरों से लगभग 120-130 कह सकते हैं 150 किलोमीटर तक विद्यालय जाकर वहाँ पर शिक्षण कार्य करते हैं, नौनिहालों को तैयार करने का काम करते हैं, राष्ट्र निर्माता ये अनुदेशक। लेकिन क्या आप जानते हैं वहाँ तक आने जाने के लिए इनको कितना खर्चा देना पड़ता है? आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 150 किलोमीटर कोई बंदा डेली आ जा रहा है तो कितना पेट्रोल या आने जाने का कितना कन्वेंस में जो खर्च होगा वो कितना रुपए बनेगा जाके। जी हाँ साथियों, आप सही समझे हो, 6,000-7,000 रुपए उनका आने जाने में खर्च हो जाता है। जब 9,000 रुपये मिलेंगे और 6,000-7,000 रुपये उनका खर्च हो जाएगा तो वो कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे इस महंगाई भरी ज़िंदगी में? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, जिसके लिए समस्त ग्रुप्स में ये मैसेज वायरल हो रहे हैं कि अंदेशक अल्प मानदेय पा रहे हैं और उनके स्कूल की दूरी उनके घर से काफ़ी दूर है। कहने का मतलब बात यहाँ पर बनती कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए उन्हें इतनी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। अल्प मानदेय मिलने के कारण अंदेशकों के सामने परिवार के भरण पोषण का संकट विकराल रूप धारण कर चुका है। आपको बताना चाहेंगे, पूर्णकालिक शिक्षक की तरह ही अंशकालिक अंदेशक हमारे काम करते हैं, एक ही छत के नीचे एक समान कार्य करते हैं, तो एक समान वेतन क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताना चाहेंगे, अंदेशक लगातार 5 से 6 वर्ष हो गए हैं कोर्ट में अपने मानदेय को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और लखनऊ और इलाहाबाद कोर्ट ने उनको मानदेय 17,009% का ब्याज सहित रुपए देने के लिए कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को आदेशित भी किया है, लेकिन अभी तक अंदेशकों को मानदेय 17,009% के नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मामला डबल बेंच में लंबित है, मामला टल रहा है। दिन प्रतिदिन उनको डेट दी जा रही है, कोई फैसला नहीं हो रहा है उनके हक में। अब तारीख 17 अगस्त लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है। साथियों, यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे, अब थोड़ी राहत भरी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे गुप्त सूत्रों के माध्यम से निकल कर आ रही है कि अंदेशक का जल्द ट्रांसफ़र होगा और उनके घर के नज़दीक ब्लॉक में उन्हें तैनाती मिलेगी, जिससे उनका फिजूल खर्च जो हो रहा है आने जाने में वो बच पाएगा। ये थी खास खबर, मिलते किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।